टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन किंग, जो कि भाई कहे जाते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई अगर एक्शन के नाम पे बेहतरीन फिल्में देता है तो वो टाइगर श्रॉफ ही देते हैं। तो आज हम बात करने वाले टाइगर श्रॉफ की आने वाली काफी बड़ी बड़ी फिल्में जिनमें एक्शन से लेकर काफी बड़ा धमाका होने वाला। अब ये फिल्में कौन सी होंगी उन सबको जानने के लिए आपको बार की तरह एक छोटा सा ही काम करना होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए आए तो। यार बात करेंगे टाइगर की फर्स्ट फिल्म जो होने वाली है गणपत पार्ट वन। गणपत पार्ट वन एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे विकास बहल। विकास बहल वही है जो क्वीन और सुपर 30 जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं, तो इसको भी डायरेक्शन वही देंगे जिसके लीड रोल में आपको टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सेनन साथ में अली इब्राहिम जैसे कलाकार दिखाई देने वाले। इस फिल्म का हाल फिलहाल में ग्लिम्स आ चुका है जहां पर आप टाइगर श्रॉफ को देख ही सकते हो क्या बेहतरीन और जबरदस्त एक्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी हमें बताई जा रही है जो कि फ्यूचर पे बेस होने वाली है, जहां पर आपको दिखाया जाएगा 2050 के अंदर स्पोर्ट के अंदर कैसे एक बॉक्सर का किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। आपको बता दें इस फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जैकी बगनानी कर रहे हैं, यानी पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया जिसे रिलीज किया जाना था 23 दिसंबर 2022 को, बट कोरोना के चलते इसकी शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई तो ये फिल्म डिले हो गई। लेकिन अब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 2023 की शुरुआत में ही दोस्तों। बात करूंगा टाइगर की नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बड़े मियां छोटे मियां। बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे अली अब्बास जफर, जो कि टाइगर जिंदा है सुल्तान जैसी बड़ी फिल्में बना चुके हैं, तो इस फिल्म को वही डायरेक्शन दे रहे हैं जिसके लीड रोल में आपको टाइगर श्रॉफ साथ में अक्षय कुमार साथ में पृथ्वीराज सुकुमारन भी दिखाई देने वाले। आपको बता दें इस फिल्म का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है जिसकी शूटिंग भी जल्दी शुरू होने वाली है। जी हां दोस्तों, यानी कि इसकी शूटिंग फरवरी में स्टार्ट होने वाली है जिसको स्टार्ट कर दिया जाएगा 10 जनवरी से। आपको बता दूं यार इस फिल्म के अंदर आपको टाइगर और अक्षय कुमार दिखाई देने वाले एज ए हीरो के रोल में, वहीं पर आपको पृथ्वीराज सुकुमार जो कि इसमें विलन के रोल में दिखाई देंगे, जिस फिल्म को भी जैकी बगनानी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को जो बनाया जाएगा वो पैन इंडिया लेवल पर बनाया जाएगा जिस फिल्म को रिलीज किया जाना है क्रिसमस 2023 में। तो भाई ये पैन इंडिया आ रही है, यानी कि हिंदी के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम में, तो ये फिल्म काफी बड़ी होने वाली है दोस्तों। बात करूंगा टाइगर की नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है स्क्रू ढीला। स्क्रू ढीला एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं शशांक खेतान, जो कि हमकी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, गोविंदा नाम मेरा, जो कि हाल फिलहाल में ये ऐसी जबरदस्त फिल्में बना चुके हैं, तो इस फिल्म को भी यही डायरेक्शन दे रहे हैं जिसके लीड रोल में आपको टाइगर श्रॉफ, रश्मिका मंदाना नजर आने वाली थी पहले, लेकिन हाल फिलहाल में इस फिल्म के अंदर रश्मिका की जगह आपको सानिया कपूर दिखाई देने वाली है। इस फिल्म की जो शूटिंग है वो 2023 में ही फ्लोर पर आने वाली है जिसे प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर, यानी कि धर्म प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जाएगा जिसे रिलीज किया जाएगा 2024 की शुरुआत में दोस्तों। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है ईगल। ईगल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे जगन शक्ति, जो कि मिशन मंगल जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं, तो वही इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं जिसके लीड रोल में आपको टाइगर श्रॉफ साथ में सारा अली खान दिखाई देने वाली है। आपको बता दूं ये फिल्म काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसका जो एक्शन डायरेक्ट करने वाले हैं वो पता है कौन करेंगे, जिन्होंने KGF का एक्शन डायरेक्ट किया था, यानी कि हम बात कर रहे हैं ड्यू एनबू अरावू की, काफी बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर होने वाले, तो भाई वो इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं। तो देखते हैं टाइगर श्रॉफ का ये कॉम्बिनेशन KGF के डायरेक्टर के साथ कैसे मिलता है और क्या हमें धमाका दिखाता है। आपको बता दें इस फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जैकी बगनानी कर रहे हैं, यानी कि पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जाएगा जिसे फ्लोर पर लाया जाना है 2023 के लास्ट में ही दोस्तों, तो ये फिल्म भी आपको 2024 तक ही देखने को मिल पाएगी। यार बात करूंगा इनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बागी 4। बागी 4 एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन करेंगे अहमद खान ही, जो कि बागी 2 बागी 3 जैसी बेहतरीन फिल्में टाइगर श्रॉफ के साथ पहले भी बना चुके, तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको टाइगर श्रॉफ साथ में श्रद्धा कपूर ही दिखाई देने वाले। आपको बता दें इस फिल्म का जो काम है हाल फिलहाल में स्क्रिप्टिंग स्टेज पे चल रहा है, जिस फिल्म की रिलीज डेट को हाल फिलहाल में ऑफिशियली तरीके से अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन हां इस फिल्म को 2024 में ही फ्लोर पर लाया जाएगा, तो आप समझ सकते हो 2024 में फ्लोर पर लाया जाएगा तो ये कब तक आ पाएगी। जिस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडिया वाले, यानी कि नाडिया वाले ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं 2024 में फ्लोर पर आएगी, तो 25 तक ही रिलीज हो पाएगी दोस्तों। मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी।
बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है गणपत पार्ट टू। गणपत पार्ट टू स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन विकास बहली देंगे, जो कि गणपत पार्ट वन को भी दे रहे हैं, जिसके लीड रोल में आपको टाइगर कीर्ति अली इब्राहिम फिर से दिखाई देने वाले हैं। और इस फिल्म की जो कहानी है वो वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर गणपत पार्ट वन की खत्म होगी। आपको बता दूं गणपत पार्ट टू को 2 साल बाद रिलीज किया जाएगा गणपत पार्ट वन के, यानी कि आप समझ ही सकते हो कि ये फिल्म आपको 2025 तक ही देखने को मिल जाएगी दोस्तों। बात करूंगा टाइगर श्रॉफ की उन फिल्मों की जिनकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई लेकिन कुछ की हो गई है तो वो बजट के कारण रोक दी गई है। तो पहली फिल्म होने वाली है जुड़वा 3, जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है डेविड धवन ने, जो कि जुड़वा 1 जुड़वा 2 जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। तो जुड़वा 3 भी वही लेकर आ रहे हैं, जिसके लीड रोल में आपको टाइगर श्रॉफ दिखाई देंगे, जो कि इसमें डबल नहीं ट्रिपल रोल में भी दिखाई दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, बता दूं डेविड धवन की हेल्थ इशू के कारण इस फिल्म पर काम नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब हाल फिलहाल में डेविड धवन हो चुके हैं फिट, तो इसकी स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट जल्द होगा, जिसे प्रोड्यूस साजिद नाडियावाला ही करेंगे, यानी कि नाडियावाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जाएगा, जिसे प्लान किया गया 2025 के लिए ही दोस्तों। प्लीज हेल्प मी, लेडीज, इसे कहते हैं जुड़वा। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है रैम्बो। रैम्बो टाइगर श्रॉफ की अब तक की मोस्ट अवेटेड फिल्म होने वाली थी, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे थे सिद्धार्थ आनंद, लेकिन हुआ क्या कि इस फिल्म को मल्टीपल पार्टों में बनाया जा रहा था, तो भाई बजट के कारण प्रोडक्शन ने इस फिल्म को फ्लोर पे ही नहीं चढ़ा पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं ये फिल्म फ्लोर पे ही नहीं आ पाई है, जिस फिल्म के बजट के चक्कर में पंगा हो गया, और ये फिल्म हाल फिलहाल में रोक दी गई है। हालांकि इस फिल्म को फ्यूचर में रिवाइव किया जा सकता है, जो कि 2028 या 2030 तक ही हो पाएगी, तो इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा तो ये तभी आ पाएगी दोस्तों। तो ये थी टाइगर श्रॉफ की आने वाली वो फिल्में जो आ रही हैं, और दो फिल्में मैं आपको बता सकूं जिनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो इनमें से कौन सी फिल्म का आपको इंतजार है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब। जो तक के लिए बाय बाय दोस्तों।